सब्सक्राइब करें कुकिंग गुरु सुधा चैनल को, दबाएं बेल आइकन नई रेसिपी को देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग गुरु सुधा। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता आज आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट पेपर डोसा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। चावल, ये कोई भी चावल ले सकते हैं, जैसे मोटा ले सकते हैं या नॉर्मल चावल आप ले सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा चावल लेना चाहिए डोसा के लिए। उड़द की धुली दाल, कहीं कहीं इसको भुवा भी बोलते हैं, बिना छिकला वाली दाल है ये। घी, घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, कोई भी जो आप खाते हो। हींग, गरम मसाला, नमक, साफ पानी। आइए सबसे पहले हम चावल और दाल कितनी मात्रा में डोसा में यूज होता है वो देख लेते हैं। एक बड़े बर्तन में हम ये चावल डाल लेते हैं। ये देखिए अंदाज हम आपको बता रहे हैं। एक छोटी कटोरी हमने ली हुई है। ये देखिए 5 कटोरी हमने चावल लिया हुआ है और जिसमें हम 1 कटोरी दाल ले लेंगे। ये दाल भी एकदम बराबर लिया हुआ है और इस दोनों को अच्छे से धो के अलग अलग हम भिगो लेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। जब अच्छे से फूल जाएगा फिर इसको मिला के आपस में हम पीस लेंगे। एकदम बारीक हमें पीसना है। ये देखिए दोनों मिला के अच्छे से हमने देखिए पीस लिया है। और ये देखिए हम छू के आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। अब आइए इसमें मसाले डाल देते हैं। हींग 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। आपस में मिला लेंगे इस तरह। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हमें बहुत नहीं पतला करना है। मिला के दिखाते हैं आपको कि अच्छे से मिलाइए इसको। इस तरह देखिए ताकि सारी सामग्री आपस में अच्छे से मिल जाए। देखिए इस तरह सारी सामग्री मिल गई है। इसको हम ढक के कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि डोसा खूब अच्छा बने एकदम कुरकुरा। 1 घंटा हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा घोल तैयार हुआ है डोसे का। अब आइए हम गैस जला के और तवे पे डोसा बनाते हैं। देखिए हमने डोसा बनाने के लिए लोहे का तवा यूज किया है ताकि डोसा बहुत अच्छा और कुरकुरा बने। अब आइए दिखाते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया है ताकि डोसा चिपके नहीं। और प्याज को हमने आधा काट दिया है और ये नहीं काटा है ताकि पकड़ने में आसानी रहे। ये देखिए इसको हम ऐसे रख देते हैं। अच्छे से इसको घुमा देंगे चारों तरफ से ताकि डोसा बनते समय ये चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और पानी को पोंछ देंगे ताकि तवा गर्म रहता है और पानी डाल देने से थोड़ा सा अच्छा सा ठंडा हो जाता है और हमें डोसा फैलाने में आसानी हो जाती है। देखिए डोसा का जो बैटर हमने लिया हुआ है ना ही बहुत गाढ़ा है और ना ही पतला है। ये देखिए उठा के आपको दिखा दे रहे हैं।
इस तरह बिल्कुल हमें बेटा चाहिए। ये देखिए एक चमचा ले लिया, आसानी स्प्रे में डाल दिया, हल्के हाथ से कलछी रख उसको फैला देते हैं। कम से कम हम 2 मिनट तक वेट करेंगे, ये अपने आप किनारा छोड़ देगा, तब इसको हम पलटेंगे। आज थोड़ा सा हम तेज कर देते हैं। ये थोड़ा सा हमने घी लिया, हल्के हाथ से ऊपर से लगा देंगे इस तरह चारों तरफ से। अब इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए इस तरह, ताकि अच्छे से ये सिक जाए। ये देखिए डोसा अपने आप देखिए किनारा पूरा छोड़ दिया है, इसके मतलब है डोसा अच्छे से सिक गया है। अब आइए इसको हम रोल कर देते हैं। ये देखिए साइड में रख लेते हैं, इसी तरह हम दूसरा भी डोसा फैला देते हैं। हल्के हाथ से इसको फैलाइए, और देखिए ये हम तोड़ के दिखाते हैं कितना क्रिस्पी बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया सिका हुआ है। ये देखिए अब इसी तरह हम डोसा भी डोसा तैयार करेंगे। देखिए इस डोसे में घी लगा दिया है, इसमें भी थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला से स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए गरम मसाला डालते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और इसको तेज आंच में ही सेकिएगा, ताकि जब अच्छा सा कुरकुरा सिके। अभी देखिए मेरा अच्छे सिका नहीं हुआ, सिक जाने की निशानी है कि चारों तरफ से अपने आप छोड़ देगा, इससे पता चल जाता है कि डोसा अच्छे से सिक गया है। ये देखिए दोनों डोसे मेरे अच्छे से सिक गए हैं, घुमा के भी दिखा देते हैं आपको। चारों तरफ से देखिए कितने बढ़िया सिके हुए हैं, और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम थोड़ा सा तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी आवाज आ रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आइए इसकी कर लेते हैं अच्छी सी प्लेटिंग। ये लीजिए स्वादिष्ट क्रिस्पी पेपर डोसा तैयार है। आप भी अपने किचन में जरूर बनाएं, और हमें जरूर बताएं कि डोसा आपको कैसा लगा। मगर आपको अगर ये डोसा बनाना सीखना है तो मेरी पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, और हमें जरूर बताइएगा कि डोसा आपको कैसा लगा, ताकि हम फिर आपसे मिले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।